हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल इंडियन जगत दो में। आज हम देखेंगे जीके जनरल नॉलेज 61। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? एक 1%, बी 2%, सी 3%, डी 4%। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए जी हुई मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी के हुई के सुंदरम, डी टी स्वामीनाथन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 68 वर्ष, डी 70 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ए सर्वोच्च ईश्वर, बी सूफियों का गुरु, सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। इसका करेक्ट आंसर होगा बी सूफियों का गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1699, बी 1707, सी 1657, डी 1599। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल, डी महात्मा बुद्ध। इसका करेक्ट आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर होगा सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? ए वायुमंडलीय दबाव, बी केशिका दबाव, सी परासरण दबाव, डी मूल दबाव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी परासरण दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ए सेरिकल्चर, बी सिल्विकल्चर, सी पिसिकल्चर, डी एपिकल्चर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ए 100-200 दिन, बी 100-120 दिन, सी 160-180 दिन, डी 150-200 दिन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 100-120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? ए एस्टिवेशन, बी रीजेनरेशन, सी म्यूटेशन, डी हाइबरनेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर होगा सी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ए गहरा बक्सा, बी अंधा बक्सा, सी काला बक्सा, डी ऊंचाई मापी यंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा सी काला बक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? ए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, सी वैयक्तिक नेटवर्क, डी महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा सी वैयक्तिक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है?
एक फ्लोरीन, बी सीसा, सी एल्यूमिनियम, डी पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर होगा डी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन, बी स्टाइरीन, सी एथिलीन, डी ब्यूटाडाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी नियोन, डी ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से कौन सा एल पी जी का प्रमुख घटक है? ए मेथेन, बी ब्यूटेन, सी प्रोपेन, डी एथेन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। आई यू सी एन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ए 7 वर्गों में, बी 5 वर्गों में, सी 6 वर्गों में, डी 4 वर्गों में। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। मीनामाता रोग किस कारण से हुआ था? ए पारा, बी जस्ता, सी कैडमियम, डी सीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए समतापमंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभमंडल, डी आयनमंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए समतापमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए टोक्यो, बी हांगकांग, सी नागासाकी, डी हिरोशिमा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। युआन किस देश की मुद्रा है? ए जापान, बी इटली, सी यूगोस्लाविया, डी चीन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए पृथ्वी, बी अस्त्र, सी आकाश, डी अग्नि। इसका करेक्ट आंसर होगा बी अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी केरल। इसका करेक्ट आंसर होगा डी